चैनल एंड आई जस्ट होप आज की वीडियो ना स्पेशली बड़ी मज़ेदार है बिकॉज आपके हेयर्स के लिए है, सभी के हेयर्स के लिए है. सो आज की वीडियो जो है वो पूरा देखिएगा. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी एंड जो कि आपके हेयर्स के लिए, अगर आप जो है बड़े परेशान हैं कि भाई हमारे हेयर्स तो लंबे नहीं होते एंड हमारे हेयर्स में जो है बिल्कुल भी ऐसे बेरुखे से हो गए हैं एंड फ्रिजी से हो गए हैं, एंड अगर फ्रिजी हो गए हैं ना तो मेरी एक वीडियो देखिएगा, वो मैंने फ्रिजी पे ही बनाई हुई है. अगर आपके हेयर फ्रिजी हो जाते हैं आफ्टर वॉश तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर अगर आप वॉश भी नहीं करते हैं तब भी फ्रिजी है तो क्या कर सकते हैं. वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं, जहाँ पे आप टाइटल देखते हैं हमारा, वहाँ पे साइड में आपको एक छोटा सा एरो नज़र आता होगा इस तरह से. उस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बहुत लंबा सा चिट्ठा जो है खुल जाएगा. तो उस लंबे से चिट्ठे में आपको मिलेंगे लिंक, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियोज़. सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है, क्योंकि मैं हर बार कह देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड हो सकता है कि बहुत लोगों को पता ही ना हो कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है. एंड जो लोग एक हेयर के लिए रेमेडी ढूंढ रहे थे ना कि उनके बाल लंबे नहीं होते, तो लंबे वाला तो ये वाला ट्रीटमेंट बहुत ही मज़ेदार है. ये खुद मैंने अपना आजमाया हुआ है, हकीकत में बड़ा ही अच्छा है एंड साथ ही आपके हेयर्स को बहुत अच्छे से स्मूथ भी करता है, बहुत सॉफ्ट बनाता है एंड एक बहुत अच्छी सी शाइन भी लेकर आता है. सो ये पूरी रेमेडी बहुत अच्छी है आपके हेयर्स के लिए, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए. तो चलिए रेमेडी सीख लेते हैं. आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी. पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, इस रेमेडी में हमें यूज़ करने हैं मेन 3 इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा एलोवेरा जेल, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है. एलोवेरा जेल आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, आपके हेयर्स में शाइन लेकर आता है, साथ ही साथ आपके हेयर्स को स्मूथ भी बनाता है. सेकेंड इंग्रेडिएंट है हमारा कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल जो है आपके हेयर्स में नरिशमेंट का काम करता है, साथ ही साथ आपके हेयर्स को डैमेज होने से बचाता है एंड आपके हेयर्स का जो टेक्सचर है उसको मेंटेन करके रखता है एंड एक स्मूथ टेक्सचर लेकर आता है एंड मॉइस्चर भी रहता है आपके हेयर्स में. थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा हनी. तो अब हमें एक्चुअल में करना क्या है इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के साथ. हनी आपकी हेयर्स की हेल्थ के लिए अच्छा है, साथ ही आपके स्कैल्प के लिए भी अच्छा है. हनी आपके हेयर्स में एक स्मूथ टेक्सचर लेकर आता है एंड हेयर फॉल से तो ये इतना ज़्यादा आपको बचाता है कि बस क्या कहें. सो गाइज, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको केवल और केवल क्या चाहिए, तो ज़रूर से एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा. आई होप यू गाइज लाइक. सो चलिए फिर. सो गाइज, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको केवल और केवल क्या चाहिए, इस रेमेडी में आपको एलोवेरा जेल लेना है. एलोवेरा जेल आप अगर नेचुरल एलोवेरा जेल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है नेचुरल एलोवेरा जेल. सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप नेचुरल एलोवेरा जेल ज़रूर यूज़ करें, अगर आप अपने हेयर्स को लंबा करने के लिए ही इस रेमेडी को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप नेचुरल वाला यूज़ करें. एंड नहीं, अगर आप नेचुरल नहीं कर सकते, सो नहीं है इतना टाइम एंड चीज़ें करने का टाइम नहीं है, तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वाओ का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं. पतंजलि का एलोवेरा जेल मैंने बहुत बार यूज़ किया है एंड इवन अपने हेयर्स पे भी यूज़ किया है. सो जो मेरी फ्रिज वाली जो वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपके हेयर्स फ्रिजी हैं सो उसको कैसे जो है ठीक करें, उसमें मैंने पतंजलि एलोवेरा जेल ही यूज़ किया है. आप चेकआउट कर सकते हैं ज़रूर से जाके. एंड ये एलोवेरा जेल भी अच्छा है, बट अगर आपको बहुत जल्दी से लंबे हेयर्स करने हैं ना, तो फिर जल्दी से जो है आप एलोवेरा प्लांट अपने घर में जो है ले आएँ. और अगर नहीं ला सकते हैं तो अगर किसी अपने अड़ोसी के पास या अपने फ्रेंड्स के घर में कहीं पर भी अगर आपको एलोवेरा प्लांट कहीं पर भी अवेलेबल हो तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कुछ उनसे कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा एलोवेरा जो है आपको दे दें थोड़ा सा एलोवेरा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा. मैं नहीं कहती कि आप एलोवेरा प्लांट ही परचेज़ करें, घर पर लगाएं, अगर नहीं है नहीं कर सकते तो आप अपने किसी रिलेटिव से ले सकते हैं. सो और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप पतंजलि का ये वाला ले लीजिए, ये अफोर्डेबल है. एंड इसका अगर मैं प्राइस बताऊँ आपको, सो
तो ये वाली जो बॉटल है ये 90 रुपीज़ की है एंड बहुत बड़ी वाली बॉटल है, यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप वाओ का एलोवेरा जेल, इसके अंदर आपको 150 ml मिल जाता है जो कि आपका बहुत टाइम तक चलता है अगर आप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ अपने हेयर्स के लिए ले रहे हैं। देखिए मैं तो इससे बहुत सारी रेमेडीज़ बनाती हूँ एंड यूज़ भी करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, इसलिए मेरा ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। सो अभी मैंने इसको रिसेंटली ही परचेज़ किया था, मतलब कुछ ही महीने हुए हैं, सो इतना ख़त्म हो चुका है, ये इतना ही बचा है, तो ये भी अब कुछ एक महीने में शायद ख़त्म हो जाएगा फटाफट से। सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ये सब लेना है। सो गाइज एज यू कैन सी कि आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे एक एलोवेरा जेल जो कि नेचुरल एलोवेरा जेल है, डायरेक्टली प्लांट से लिया गया है। एंड यहाँ पे मैं उसके जितने भी साइड के जो कांटे हैं उसको निकाल रही हूँ। सबसे पहले आपको कांटों को रिमूव करना है एंड नाइफ की हेल्प से, उसके बाद आपको ऊपर वाला पार्ट जो है वो निकालना है एंड देन उसके बाद आपको बीच में इसका जो है एलोवेरा मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है एंड इवन आपकी हेल्थ के लिए, हेयर के लिए, फेस के लिए। एंड अगर आप इसे खाते हैं ना तो आप बहुत बढ़िया आपकी हेल्थ रहती है, बिलीव मी, ये एक मैजिकल प्लांट है। सो हैट्स ऑफ टू दिस प्लांट। एंड इस तरह से आप ले लेंगे, उसके बाद आप मिक्सी में डाल लेंगे, मिक्सी में डालने के बाद इसको आप ग्राइंड करेंगे, अच्छे से पीस लेंगे एंड इस तरह से पेस्ट जो है रेडी हो हनी एंड कोकोनट ऑयल के पेस्ट के साथ। यहाँ पे अब हम ले रहे हैं हनी एंड ये हम एक चम्मच लेने वाले हैं, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है आपको एक ही चम्मच लेना है, अगर आपके छोटे हेयर्स हैं तो आप हाफ चम्मच ले सकते हैं। एंड यहाँ पे हम कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि एक बहुत स्मूथ जो है पेस्ट बन जाए लाइक दिस। कोकोनट ऑयल आपको 2 चम्मच लेना है, हनी आपको 1 चम्मच लेना है, एलोवेरा जेल वैसे आपको 2 चम्मच ही लेना है, तो उसे 3 भी हो जाए तो चलेगा, अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ ले लीजिए। मेरे को 3 चम्मच बहुत रहता है अपने हेयर्स के लिए, सो ये पूरा इंग्रेडिएंट जब मिक्स होके काफ़ी ज़्यादा बन जाता है तो मेरी हेयर लेंथ के लिए बिल्कुल ठीक है। एंड उसके बाद जो हमने एलोवेरा जेल निकाला था एंड हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड देन अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा। अगर आपके हेयर्स बहुत छोटे हैं तो आप क्वांटिटी कम कर दें, लाइक आप कर दें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, ठीक है, आप कर दें 1/2 चम्मच हनी और 1 चम्मच आप कर दें एलोवेरा जेल अगर आपके हेयर्स छोटे हैं तो, अकॉर्डिंग टू योर लेंथ लीजिएगा। एंड इसके बाद आपको अच्छे से मिक्स करिए, मिक्स करने के बाद उसको अप्लाई कर दें, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। एंड आपको यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ी सी लीव्स भी नज़र आ रही होंगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हल्की बहुत लीव्स भी आ जाती हैं सो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, इतने कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एंड इसको अप्लाई करें एंड अपने हेयर्स को बहुत अच्छा बनाएं। सो गाइज जैसे कि अभी मैंने अपने हेयर्स पे जो है ऑयल लगाया हुआ है बट ज़्यादा नहीं लगाया हुआ, नॉर्मल लगाया हुआ है, बिकॉज जो मैंने अभी पेस्ट जो रेडी किया है एलोवेरा जेल के साथ उसके अंदर मैंने कोकोनट ऑयल मिक्स किया है। सो तीनों चीज़ अच्छे से मिक्स होके मेरे पूरे हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी ज़्यादा ऑयलिंग नहीं की है। सो अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मैंने भी आपके सामने ही प्रिपेयर किया है एंड इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा एक सीक्रेट है मेरे लॉन्ग हेयर्स का एंड सो ये आप ज़रूर ट्राई करें एंड इसकी फुल डिटेल मैं आपको दूंगी अभी जब मैं आप लोगों को अपने हेयर्स जो है वॉश करके दिखाऊंगी, उस टाइम पे मैं आपको फुल डिटेल दूंगी एंड अभी मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ अपने हेयर्स पे। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मिड सेक्शन निकालने वाले हैं, तो चलिए फिर मिड सेक्शन निकाल लेते हैं। एंड इस तरह से आप मिड सेक्शंस निकाल के एंड इसे आप स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर से स्कैल्प पे अप्लाई करें तभी आपकी ग्रोथ जो है अच्छी होगी एंड ये अच्छे से आपके स्कैल्प में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा हेयर की। सो इसे आप इस तरह से लगाएंगे हम। सो सबसे पहले हम ये वाला लगाने वाले हैं। सो इसे आप कैसे भी लगा सकते हैं, हाथ की हेल्प से भी लगा सकते हैं एंड इस तरह से लगाएंगे, हल्का हल्का मसाज करेंगे लाइक दिस एंड थोड़ा सा इस जगह पे भी करेंगे एंड थोड़ा सा यहाँ भी करेंगे, साथ में बीच में भी करेंगे। एंड इसी तरह से अब हम दूसरा सेक्शन निकालेंगे, पहले हम फ्रंट का करेंगे फिर हम बैक का करेंगे एंड इस तरह से थोड़े थोड़े सेक्शंस निकाल के आपको अच्छे से लगाना है इसे लाइक दिस
तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ पूरे हेड पे लगाने के बाद मैं आप लोगों से। एज यू गाइस कैन सी कि मैं इसे अपने पूरे हेयर्स पे लगा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैंने अपने स्कैल्प पे लगाया। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, इसको 15 मिनट के लिए रखना है। 15 मिनट के लिए रखिए एंड रखने के बाद इसको फिर वॉश कर लीजिए। एंड वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपके हेयर्स वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे थोड़े एंड फ्रीज फ्री भी हो जाएंगे। एंड आपके हेयर्स एकदम तो लंबे हो नहीं जाएंगे एक ही बारी में, आपको इसे रेगुलर कंटिन्यू यूज़ करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 बार यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, जब भी आप हेयर वॉश करें आप तब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हफ्ते में 1 बार आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप महीने में 2 बार यूज़ कर लीजिए। या आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बिजी हैं और कितना फ्री हैं और कितना अपने लिए आप टाइम निकालते हैं, या आप पे डिपेंड करता है। मैं हफ्ते में 2 बार यूज़ करती हूँ, कभी कभी मैं 1 बार भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मेरे हेयर्स छोटे थे तो मैं इसको रेगुलर कंटिन्यू में यूज़ कर रही थी एंड मैंने इसको बहुत टाइम तक यूज़ किया था एंड मेरे हेयर्स काफ़ी अच्छी लेंथ हो गई है मेरे हेयर्स की। मैं आपको डेफिनेटली अपने फुल हेयर्स ज़रूर दिखाऊँगी, बट मैं अभी दिखा सकती हूँ। नीचे से हल्के से थोड़े से रफ़ी रफ़ी से हैं एंड इनको थोड़ी कटिंग मांग रहे हैं ये, सो ये कटिंग मैं करने के बाद, वैसे मेरा मन नहीं करता है कटिंग कराने का, मैं इनको बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ, इतने भी रफ़ी नहीं हैं, बट ये हल्के हल्के से फ्रिजी हो ही जाते हैं नीचे वाले जो हेयर्स होते हैं, बट फिर भी ये बहुत स्मूथ है। अगर मैं औरों के हेयर्स देखती हूँ तो उनसे ज़्यादा मुझे ठीक लगता है कि येस मैंने अपने हेयर्स की बहुत अच्छे से केयर मैं कर रही हूँ। सो इसी तरह आप भी अपने हेयर्स की बहुत अच्छे से केयर करें। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई मेरी वीडियो तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिए, एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है हमें। सो अगर आप एक लाइक करेंगे, हर कोई एक एक लाइक करेगा, तो वो एक एक लाइक बहुत ज़्यादा लाइक बन जाएंगे। तो वही वाली बात है ना, अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही वाली बात है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, एक इंसान भी अगर सब्सक्राइब करता है, एक सब्सक्राइबर हमें सब्सक्राइब कर देता है हमारे चैनल को, तो हमें बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलती है एंड काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस इतनी सी बात है, मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाती रहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।